हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, दैट इज अचीव IAS। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि डेली हम क्या किया करेंगे, जो हम डेली क्वेश्चंस डालते हैं उनमें से एक क्वेश्चन का हम आपको एक तरह से रेफरेंस आंसर या मॉडल आंसर प्रोवाइड किया करेंगे। बिकॉज बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर रेफरेंस आंसर बताइए या मॉडल आंसर बताइए कैसे लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा है पुलिस के बारे में। ये कल पूछा गया था, कल के क्वेश्चन में। आर पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन हैज नॉट केप्ट पेस विद द नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडिया, एलुसिडेट। सो दोस्तों, इसका हमने जो आपको यहाँ पे हम आपको बताएंगे, जो भी हमने लिखा है उसके डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले नोट ये बता देना चाहते हैं कि कोई भी आंसर मॉडल आंसर नहीं होता। अगर मॉडल आंसर होता तो सभी के UPSC में टॉपर्स के 100% मार्क्स होते, लेकिन उन सभी के जो टॉप करते हैं उनके मार्क्स रहते हैं बिटवीन 50-55%। सो इसलिए इसको मॉडल आंसर की तरह ना देखें, इसको सिर्फ रेफरेंस सोर्स की तरह देखें। हमने इसमें जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सके उतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करने की कोशिश करी है। तो आप देख जैसे जैसे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप देखोगे कि हमने कितने एंगल्स को टच करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इंस्टीट्यूशन जो पुलिस का है वो फेल हो गया है टू मीट द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। तो इसको हमने एलुसिडेट करना, इसको बताना है कि हाँ इस पे लाइट, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लाइट थ्रो करनी है, इसको हाईलाइट करना है कि कैसे। तो दोस्तों देखिए, सिंपल बात है, पहले स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि जो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, वो बहुत ही पुराने एक्ट के द्वारा मैनेज की जा रही है, वो है इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861। तो आप देख सकते हो कि ये कॉलोनियल पुलिस लॉ है, आर्किक पुलिस लॉ है, बहुत ही पुराना पुलिस लॉ है, जो इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अभी तक ये जो है ये बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ रहा है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पुलिस फोर्सेज इन इंडिया। तो ये जो टाइम है दोस्तों, ये आपका 19th century का टाइम है, और अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st century। तो नेचुरली जो 1861 में एक्ट बनाया गया था वो 21st century को माइंड में रख के तो नहीं बनाया गया था। और इनफैक्ट ये जो एक्ट था वो एक कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसका कॉलोनियल गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, जो इंडियन सब्जेक्ट पॉपुलेशन है उसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल में रखना, ताकि कोई लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना आए, कोई काउंटर इंसर्जेंसी ना हो, कोई गवर्नमेंट की अगेंस्ट एक्टिविटी ना हो। तो सर्टनली लॉ दैट वाज पास्ड टू सेंचुरीज बैक कैन नॉट बी इफेक्टिव टू डील विद द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट आर मर्जिंग नाउ। और दोस्तों, बात क्या है कि अब हमारा जो है कि डिफरेंट तरीके के क्राइम्स सामने निकल के आ रहे हैं। अब साइबर क्राइम्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्राइम्स हो रहे हैं, तो जो हमारी पुलिस फोर्स है, लेकिन वो पहले वाले ही सिस्टम पे जो डंडा पकड़ के पुलिस कांस्टेबल खड़े होते हैं वही वाला सिस्टम चल रहा है। तो अभी जो क्राइम्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। तो ऐसे क्राइम्स जैसे साइबर अटैक हो गए आपके, सिंपल आपका कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम हो गया, वो हमारी पुलिस फोर्सेस को समझ में नहीं आता। बिकॉज समझ में क्यों नहीं आता, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग उसी में होती है कि बस उन्होंने जो ट्रेडिशनल काम करना है उसी को, उसी के जो पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला था वही टास्क जो है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें तैयार किया जाता है। तो ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, और जो वैसे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में पुलिस के बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। तो अभी जो है बहुत ज़्यादा जैसे फॉल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम देखा गया है, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग सिस्टम, हमारे जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती। अभी दिल्ली में आपको पता होगा कि इंसिडेंट हुआ, जो वो एक सरदार बंदे को जो पुलिस वाले मार रहे थे। तो इनफैक्ट जब आपके सामने वाला अगर ऐसे आपके आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे किसी पर्सन को डील करना है, लेकिन आप वही डंडे लेके उनको मार रहे हो। तो ये क्या है, हमारा मॉडर्न सोसाइटी जो है इसमें इशू बन जाता है कि पुलिस का काम मारना नहीं है, पुलिस का काम है रोकना, चीज को प्रिवेंट करना। और आप उसको इफेक्टिवली भी पकड़ सकते थे। आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ, वो पुलिस जो होती है वो इनिशियली फोर्स बहुत कम यूज़ करती है, तो उनको ऐसे तरीके से ट्रेनिंग दी होती है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको कैसे डील करना है। अब हमारी पुलिस से एक बंदा नहीं एक तरह से प्रॉपर मैनेज हो रहा, वो क्राउड को क्या मैनेज करेंगे।
तो बहुत सारे फॉल्टी प्रोसीजर्स हैं और डिफेक्टिव प्रमोशन सिस्टम है, अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशंस हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज पुलिस फोर्सेस के वर्किंग आवर्स नहीं है कोई, कभी वो रात को ड्यूटी करने जा रहे हैं, कभी सुबह ड्यूटी करने जा रहे हैं, कोई मिनिमम आवर्स नहीं है, और कोई मतलब एक तरह से सिस्टम नहीं है। पोलिटिकल प्रेशर के अंडर काम करते हैं, पोलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए काम करते हैं। तो देखिए, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हो चुकी है और नेचर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। तो इनफैक्ट ये जो हमारा लॉ है जो पुलिस को गवर्न करता है, इट इज सर्टनली नॉट इन अ पोजीशन टू प्रॉपरली रेगुलेट द पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए देखिए कि क्या जरूरत है, कि हमें जरूरत है कि हमारे पुलिस पर्सनल की जो मेंटल एबिलिटी है, एकेडमिक नॉलेज है, उसको बढ़ाया जा सके। लास्टली दोस्तों, जो पॉलिटिसाइजेशन है पुलिस फोर्सेज की, वो भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। इनफैक्ट पुलिस को ये माना जाता है कि ये तो एक तरह से पपट होती है गवर्नमेंट ऑफ द डे की, बिकॉज पुलिस उनके अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो आपको रिसेंटली पता होगा कि जनवरी और आई थिंक फरवरी में इंसिडेंट हुआ था बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट की जो पुलिस फोर्सेज हैं, उन्होंने भी बड़ा अजीब से बिहेव किया, और इनफैक्ट सेंट्रल फोर्सेज जो हैं, जो सेंटर के द्वारा सीबीआई भेजी गई, वो भी एक तरह से पोलिटिकल प्रेशर था सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो उस पोलिटिकल प्रेशर के अंदर आके वो वहां पे छानबीन करने गए। तो दोनों ही तरफ से गलतियां हुई, वेस्ट बंगाल की तरफ से भी, सेंटर की भी तरफ से, जिससे ये पता चलता है कि क्लियरली इनकी पोलिटिसाइजेशन हो चुकी है। तो दोस्तों क्या है, अब हम बात करते हैं कि पोलिटिसाइजेशन, अब हम बोल तो देते हैं लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, पोलिटिसाइजेशन से होता क्या है। अब सिंपल बात दोस्तों देखो, कि कोई भी बड़े लेवल पे क्राइम होता है, कोई भी ऐसा बंदा इन्वॉल्व होता है जो जिसके पॉलिटिकल लिंक हो या कुछ भी हो, तो वो क्या करता है फिर, जब पुलिस होती है, पुलिस को की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज पुलिस इन्फ्लुएंशियल बंदे की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, प्रॉपरली एक तरह से जो विक्टिम है उसकी बात नहीं सुनते, बिकॉज पुलिस फोर्स पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर काम कर रही होती है। तो इसलिए ये जरूरी बन गया है कि इसको सुधारा जाए। अब बात करते हैं, देखिए इंडिया, अब इंडिपेंडेंस ईरा के बाद क्या क्या, इंडिपेंडेंस ईरा में क्या क्या एफर्ट्स किए गए। अब दोस्तों एक मैं बात आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी धरती से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, इनकी आदत नहीं बदली। बस जब भी कोई इशू शुरू होता है, बनता है, तो एक कमीशन या कोई कमेटी बिठा दी जाती है और उसको टास्क दे दिया जाता है कि इसको देखो। लेकिन कमेटीज आफ्टर कमेटीज, कमीशन आफ्टर कमीशन क्या है, रिकमेंडेशन देते रहते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो मानी नहीं जाती। तो डिफरेंट कमीशन एंड कमेटीज एस्टेब्लिश की गई इस सिस्टम में भी, वही जो एक टिपिकल अंग्रेजों वाली आदत रह गई है हमारी। तो मेजर कमेटीज जो थी वो घोर कमेटी थी एक पुलिस ट्रेनिंग के बारे में, नेशनल पुलिस कमीशन था, राय ब्यूरो कमेटी थी, और आपकी पद्मना भैया कमेटी, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी जो 1600 के अंडर थी, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स भी आए। तो थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो आप देखो कि घोर कमेटी ऑन पुलिस ट्रेनिंग जो थी वो 1971 में बनाई गई। तो इसमें देखा गया कि गौर कमेटी ने पाया कि पुलिस के, हमारी जो इंडिया में पुलिस है, उसके पास एक्सटेंसिव पावर्स हैं। वो काफी हद तक उनके पास पावर्स हैं, बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो पुलिस है वो एज एन इंस्टीट्यूशन कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। तो पुलिस कंसिडरेबल पावर इंजॉय करती है बिटवीन द इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसको देखते हुए ये इंश्योर करना जरूरी है कि जो पुलिस है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रहे, और इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसे हो कि कोई इंटरफेरेंस ना हो पॉलिटिकल, और कोई भी ऐसा कोई इन्फ्लुएंस, पर्सनल इन्फ्लुएंस और करप्ट इन्फ्लुएंस ना हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पावर इंजॉय करते हैं, और अगर पुलिस विदाउट इंटरफेरेंस काम नहीं कर पाती तो सर्टनली गवर्नमेंट की एक तरह से फंक्शनिंग पे डाउट आएगा लोगों के मन में। और ये अब बात देखिए 1971 में बोली गई, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी तरीके से इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाए। तो कमेटीज जो थी उन्होंने, इस कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया था कि आप साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाओ, प्री एंट्री ओरिएंटेशन टेस्ट होने चाहिए, ताकि हमारी पुलिस मॉडर्न नीड्स को पूरा कर पाए। और इनफैक्ट दोस्तों हम क्या हैं, हम एक एज अ डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, जिसमें हर एक के ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पुलिस जो भी इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी में बने हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सर्व करना। तो पुलिस का काम है लोगों को सर्व करना, ना कि लोगों को डराना। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि पुलिस का एक तरह से माइंड में डर है। तो ये चीज जो है, फिर डर भी कुछ लोगों के मन में है, कुछ लोग बिल्कुल रूल्स को
कि धज्जियां उड़ा रहे हैं और उनको कोई डर नहीं है, उनको पता है कि सभी सभी को वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नाम लेना तो नहीं चाहिए। तो कमेटी जो है स्ट्रेस करती है कि इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाएं और प्री एंट्री ओरिएंटेशन टेस्ट किए जाएं। और उन्होंने ये भी बोला कि जो डिफरेंट स्टेट पुलिस कमीशन्स ने भी ये बात बोली है कि इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए कॉन्स्टेबल्स एंड सब इंस्पेक्टर्स के लिए, बिकॉज ये जो होती है ये दिस लेवल ऑफ जो पुलिस ब्यूरोक्रेसी होती है ये आम लोगों के साथ डील करती है। जो ऑफिसर्स हैं चलो उनकी भी डीलिंग होती है, लेकिन सबसे ज्यादा डील करते हैं कॉन्स्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स। तो उनकी इस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। तो इसमें यही क्या कहा गया कि इससे क्या होगा कि एक तरह से पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेक किया जाएगा। और इनफैक्ट 1977 में एक कमीशन बिठाया गया, नेशनल पुलिस कमीशन, तो इसने भी काफी रिकमेंडेशंस दी। तो 8 डिटेल्ड रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट की करी 1979 टू 1981 के बीच में। और इसमें पहली रिपोर्ट में बोला गया कि देखिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी बनाइए पुलिस के बीच में। अब आप नोट कर लीजिए दोस्तों, 1977 में बिठाया गया और 1979 में रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपनी ये। और इसमें बोला गया कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी होनी चाहिए, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल विंडो होनी चाहिए, जिससे क्या हो मशीन के जो पुलिस के विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो जो फंक्शनिंग है, अगर लोगों को लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो उस मशीनरी को जाके कंप्लेंट कर सके, या कोई पुलिस वाला उनको तंग करता है तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी होने से क्या होगा कि पुलिस एक डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन करेगी। लेकिन अभी तक आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसा कमीशन नहीं है और कोई भी इंटरनल मिनिस्ट्री मशीनरी नहीं है जो ग्रीवेंस को रिड्रेस कर पाए। और दूसरी रिपोर्ट में इन्होंने बात करी कि पुलिस को मिस यूटिलाइज किया जा रहा है बाय इंटरफेरेंस, और इलीगल और इम्प्रॉपर ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए या सभी ये जो चीजें हैं इनके लिए। अब दोस्तों सिंपल बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माइनिंग की इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कहीं पे कोई माइनिंग चल रही है, कहीं पे कोल माइनिंग चल रही है, कहीं पे रेत माइनिंग चल रही है, कहीं पे बजरी ये जो वो होती है आपके ये माइनिंग चल रही है। अब कौन करता है, कैसे होता है, सब कुछ जो होता है वो पुलिस की बिल्कुल एक तरह से नाक के नीचे होता है, और पुलिस को भी पता होता है, पुलिस को भी पैसे जाते हैं, ऊपर से पॉलिटिशियंस के माइनिंग जो माइंस जो ये कोल माइंस हैं या सारा कुछ है ये वो उनका है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर एक तरह से फंक्शनिंग है वो नहीं हो पा रही और मिस यूटिलाइजेशन हो रही है पुलिस की। तो कमीशन ने रिकमेंड किया कि देखिए एक एक स्टैचुटरी बॉडी बनाइए जो जिसका क्या नाम होगा, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, जो हर स्टेट में होगी, और इसका पर्पस क्या होगा, इंश्योर करना कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ना कर पाए। तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का बेसिकली क्या पर्पस होना था, ट्रांसफर प्रमोशन और रिक्रूटमेंट के बारे में डिसाइड करना। और थर्ड रिपोर्ट में इन्होंने हाईलाइट किया कि देखिए हमारे जो लॉज हैं उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो लॉज पुलिस को पावर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पुलिस अकेली पुलिस एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग नहीं काम करती, उसको डिफरेंट डिफरेंट लॉज के थ्रू भी पावर्स मिलती हैं, चाहे सीआरपीसी हो या ये आपका आईपीसी हो या और डिफरेंट लॉज हो, उनके थ्रू पावर्स मिलती हैं। तो इन लॉज में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जिनको मिस यूज करके पुलिस अपनी पावर को एक तरह से गलत तरीके से यूज करती है। तो डेफिशिएंसीज हैं प्रोसीजरल लॉज में, और इनफैक्ट कोशिश रहती है कि केस को रजिस्टर ना किया जाए और क्राइम को ऐसे सप्रेस कर दिया जाए या इग्नोर कर दिया जाए। फोर्थ रिपोर्ट में इस जो नेशनल पुलिस कमीशन है इसने कहा कि जरूरी है कि एक कोऑर्डिनेशन हो इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ में और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी में। ऐसी फिफ्थ रिपोर्ट थी, सिक्स्थ रिपोर्ट थी, मैंने हाईलाइट नहीं की बिकॉज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवन्थ रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि देखिए इंटरनल मैनेजमेंट जो होनी चाहिए पुलिस फोर्स की वो ऐसी होनी चाहिए कि वो इंटायरली प्रव्यू में हो चीफ ऑफ पुलिस के, ताकि जो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम हो। और एट्थ रिपोर्ट में इन्होंने बात कही कि एक इंडिपेंडेंट सेल होना चाहिए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन जो कि पुलिस परफॉर्मेंस को इवेलुएट करे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स में। ये इवेलुएट करने में सिंपल बात है कि एक तरह से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक तरह से हम बोल सकते हैं, और परफॉर्मेंस एनालिसिस सिस्टम होगा। और ये जो होगा जब एनालिसिस किया जाएगा तो प्रमोशंस जो ट्रांसफर्स होंगी सब कुछ होगा, जो मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन पुलिस पर्सनल होगा वो इस रिपोर्ट इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे होगा, जो पुलिस परफॉर्मेंस की इवेल्यूएशन रिपोर्ट्स होंगी। और साथ ही इन्होंने
एक मॉडल पुलिस बिल भी ड्राफ्ट किया नेशनल पुलिस कमीशन ने, और उन्होंने बोला कि ये जो पुलिस एक्ट है जो अभी चल रहा है इसको रिप्लेस कर देना चाहिए इस मॉडल पुलिस बिल से। तो उसमें इन्होंने कहा कि ये जो है द न्यू लॉ शुड चेंज द सिस्टम ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द पुलिस। तो और पुलिस को प्रमोट करना चाहिए रूल ऑफ लॉ और इम्पार्शल सर्विस देनी चाहिए। और ये जो रिकमेंडेशंस थी लेकिन दोस्तों इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अब मैंने जितनी देर आपको बोला आपको शायद पता होगा कि इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन अभी तक प्लेस में नहीं है। और पॉलिटिकल प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप है जो है जो है वो ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपनी पावर को नहीं छोड़ना चाहते। इसमें कोई भी पार्टी हो वो अपना होल्ड जो है वो कम नहीं करना चाहते। अभी जो पहले गवर्नमेंट्स थी वो कांग्रेस जो डोमिनेटेड गवर्नमेंट्स थी तब भी रिफॉर्म नहीं हो पाए। अब जो स्टेट्स में है स्टेट एक जो पुलिस है एक स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और कई जगह पे जो है पुलिस काम कर रही है। और अभी ओपोजिशन जब जो जो अभी सेंट्रल में रूलिंग पार्टी है कभी अब वो कई स्टेट्स में भी रूलिंग पार्टी की तरह काम कर रही है और वहां पे भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो बेसिक पर्पस है कि सभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है क्रॉस द स्पेक्ट्रम चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी को, वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की जो होल्ड है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। बिकॉज एक तरह से उनका सारा काम ही इसी से चलता है। बिकॉज पुलिस के नाक के नीचे सब कुछ होता है। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग होती है माइनिंग होती है तो सब कुछ जो एक तरह से एक हम बोल सकते हैं कि जो लीकर माफिया है वो सब 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 सोर्सेस जो हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप के कंट्रोल में जब पुलिस होती है तभी हो पाती है। तो कोई भी बंदा ऐसे इनोसेंट नहीं है। अगर आपको लगता हो कि ये पार्टी इनोसेंट है ये पार्टी सब कुछ ठीक कर देगी, ये तो हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि खून में लिखा हुआ है कि बस यही काम चलने हैं। तो ये जो चीज है ये डेस्पोटिक एटीट्यूड के तरफ लिंक्ड है। तो देखिए एक कमेटी और बिठाएगी जिसको राय ब्यूरो कमेटी बोला गया पुलिस रिफॉर्म्स की। तो इसको देखना था कि कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो लिए गए हैं नेशनल पुलिस कमीशन के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने आगे और भी क्या देखना था कि कैसे जो पेंडिंग रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और कोई और रिकमेंडेशंस भी ये रिकमेंड कर सकते थे अगर इनको नेसेसरी लगता था। तो देखिए इन्होंने भी इन्होंने दो रिपोर्ट्स रिलीज करी। इन्होंने वही बात करी कि पुलिस परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन होना चाहिए स्टेट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। मतलब कि आपके अकाउंटेबिलिटी लेवल्स दो लेवल पे क्रिएट करने की बात करी गई, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और पुलिस एक्ट को रिप्लेस करने की बात करी गई, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाने की बात करी गई, एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग बात करी गई। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन जो है पुलिस का उसको डिफरेंट कर दिया जाए। बिकॉज एक तो इन्वेस्टिगेशन जो है थोड़ा प्रोफेशनल टास्क है, एक जो है वो पुलिस क्या है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर काम करती है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक तरह से इम्पार्शल होनी चाहिए और इसके लिए सेपरेट सिस्टम होना चाहिए। बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि इन्वेस्टिगेशन ना तो प्रॉपरली हो पाती है और इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी भी सफर करती है और ऊपर से प्रेशर भी होता है। तो ये बात इस राय जो आपकी अभी मैंने आपको बताया कि ये राय ब्यूरो कमेटी ने बोला। उसके बाद देखिए आपकी पद्मना भैया कमेटी बनी 2000 में, उन्होंने भी यही कहा कि सेपरेशन होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन में और इन्वेस्टिगेशन फंक्शन में, और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और पुलिस अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अब उसके बाद देखिए एक पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जो बनाई गई सोली सौरभ जी की, जो जो एक तरह से उनके वो उसके इस कमेटी के क्या थे चेयरपर्सन थे। 2005 में बनी और टास्क था इनका न्यू पुलिस एक्ट को बनाना और मॉडल पुलिस एक्ट को बनाना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पुलिस। तो अब इसका पर्पस क्या था, इसको फोकस करना था कि इंक्रीजिंग चैलेंजेस जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं इंसर्जेंसी के द्वारा, मिलिटेंसी के द्वारा, नक्सलिज्म के द्वारा। बिकॉज इनफैक्ट दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है या इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है ये पुलिस के द्वारा डील की जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। बिकॉज आर्मी का काम होता है डिफेंस करना, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इंसर्जेंसी मेंटेन करना, ये तो या तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सीआरपीएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, और बनती है या स्टेट पुलिस की। आर्मी की इन्वॉल्वमेंट लास्ट में होनी चाहिए। और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी पुलिस इतनी कैपेबल नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके।
तो इसमें न्यू एक्ट को ये भी बात करी गई कि वो ऐसे न्यू एक्ट में ऐसे मेजर्स होने चाहिए ताकि पुलिस का एटीट्यूड बदला जा सके, पुलिस सेंसिटाइज हो सके, बिकॉज हमारी पुलिस वो वाली अंग्रेजों वाली पुलिस नहीं होनी चाहिए अभी, बिकॉज अब हम इंडिपेंडेंट हैं, पुलिस डेमोक्रेसी में काम कर रही है और पुलिस का हर काम डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए। एक तरह से जो डर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस सेंसिटाइज होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के प्रति, लोगों के फंडामेंटल राइट्स के प्रति। तो क्या से इस इन इन मेजर्स को इंक्लूड करना था, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। तो इसमें न्यू पुलिस एक्ट, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की भी बात करनी थी, वुमेन की भी बात करनी थी, एससीज और एसटीज को भी ध्यान में रखना था। तो इन्होंने मॉडल पुलिस एक्ट जो था सबमिट किया अक्टूबर 2006 में। तो कुछ जो पार्ट्स थे वो ये थे कि जो सुपरिटेंडेंस है स्टेट पुलिस की वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रखी है, लेकिन क्लियरली पॉलिसीज और गाइडलाइंस होनी चाहिए इन प्लेस टू एंश्योर दैट कि पुलिस अपने टास्क को प्रोफेशनल मैनर में कर सके और फंक्शनल ऑटोनॉमी के साथ कर सके। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो अमंग द थ्री सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स से चुना जाए, और उसकी जो टेन्योर है कम से कम 2 साल होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होनी चाहिए की पुलिस फंक्शनरीज की। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि देखिए आपके स्टेट पुलिस बोर्ड होने चाहिए होम मिनिस्टर के द्वारा। तो इस इन स्टेट पुलिस बोर्ड का काम क्या होना चाहिए, ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइंस फ्रेम करना ताकि एफिशिएंट इफेक्टिव रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल पुलिसिंग हो सके, और स्टेट पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया जाए टू इंक्वायर इनटू पब्लिक कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस। तो दोस्तों सिंपल बात है, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, आप कितनी देर से सुन रहे हो, बार बार एक पॉइंट रिपीट हो रहा है। तो आपको ये जो है इससे इरिटेशन तो होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट देखिए कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं है इसका। जो जब इश्यू उठते हैं कमेटी बिठा दी जाती है, कमेटी बना दी जाती है, और उसको उनकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कितने कितनी एनर्जी वेस्ट की जाती है, कितना टाइम वेस्ट किया जाता है, कितने रिसोर्स वेस्ट किए जा सकते हैं जाते हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। और इनफैक्ट जब सुप्रीम कोर्ट प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कंप्रिहेंसिव डायरेक्टिव्स इश्यू किए कि पुलिस को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और एक तरह से टोटल अनसर्टेनिटी है कि पुलिस रिफॉर्म कब आएंगे। इसकी वजह से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कुछ डायरेक्शंस इश्यू करें ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स उनको इमिडिएटली कंप्लाई करें। तो उन्होंने तीन इंस्टीट्यूशंस की बात करी, वो तीन इंस्टीट्यूशंस कौन से थे, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड और आपका पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। तो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का फंक्शन क्या होना था, पॉलिसी गाइडलाइन और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस डेवलप करना ताकि डायरेक्शंस दी जा सके पुलिस को उसके कोर फंक्शंस के लिए, कि आपको कोर फंक्शंस जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, प्रिवेंटिव टास्क है और जो सर्विस ओरिएंटेड फंक्शन है वो कैसे करने हैं। और बात करी गई पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की, और इसको टास्क दिया गया कि ये जो है डीजीपी ऑफ द स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंडर होना चाहिए और 4 अदर सीनियर ऑफिसर्स इसके मेंबर होने चाहिए ताकि ये जो है डिसाइड कर सके हर ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए जो ऑफिसर्स ऑफ एंड बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी, तो डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और यहाँ पे बात और भी की गई कि ये जो है पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ये डिसाइड करे डीएसपी और बिलो के रैंक की ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स और प्रमोशन, और जो सीनियर पोस्ट्स हैं डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर उनके बारे में ये अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस दे स्टेट गवर्नमेंट को। और यहाँ पे उन्होंने और भी बात करी कि पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे ताकि जो एलिगेशंस हैं मिसकंडक्ट के उनको उनको इंक्वायर किया जा सके। और साथ ही इन्होंने फिर से वही बात बोली कि डीजीपी की जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फ्रॉम अमंग द थ्री सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स चूज किया जाना चाहिए, और ये जो है वो ये थ्री सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ये इम्पैनल किए जाने चाहिए फॉर प्रमोशन बाई यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इनकी कुछ मिनिमम टेन्योर होनी चाहिए 2 साल की, और पुलिस ऑफिसर्स जो ऑपरेशनल ड्यूटी पे हैं जैसे आईजी है या डीआईजी है या एसपी है या स्टेशन एसएचओ है इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, तो उनको इनकी भी मिनिमम टेन्योर होनी चाहिए 2 साल की। तो फंक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन का ये भी सेपरेट होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के, और एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाना चाहिए नेशनल लेवल पे ताकि जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सीबीआई है या आपकी सीआरपीएफ है या बीएसएफ है, तो ऐसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड होने चाहिए वो डिसाइड कर सके नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के।
के थ्रू। लेकिन यहाँ पे अब कुछ स्टेट्स में ने तो इन इन रिकमेंडेशंस को मान लिया है, स्पेशली जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी, अरुणाचल, असम और आपकी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, गोवा, ऐसी कुछ स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल पे इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है। तो सॉरी दोस्तों, हाँ जी, ग्राउंड लेवल पे इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है। कई स्टेट्स तो ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे लॉ बना दिए हैं कि सरकम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को ही सरकमवेंट कर लिया है, उनको एक तरह से घेर लिया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को कंप्लाई ना करना पड़े। तो बिहार पुलिस बिल पर्टिकुलरली इसमें नोटिस में आना चाहिए कि बिहार पुलिस बिल ऐसा है उसमें से। और यूपी एंड तमिलनाडु भी अमंग द नॉन मोस्ट नॉन कंप्लाइंट स्टेट्स हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। मॉनिटरिंग कमेटी बिठाई गई जस्टिस केटी थॉमस के चेयरमैनशिप में, जिसमें देखा गया कि लेवल ऑफ इट्स कंप्लायंस जो थी, जो डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, वो बहुत कम है। तो जिससे ये पता चलता है कि देखिए, कुछ भी हो जाए, हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, वो चाहे किसी एक पार्टी के हों या वो ओपोजिशन के हों, चाहे वो इलेक्शन से कोई कोई चुन के आ जाए या कोई चला जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे इस डेमोक्रेसी में सिटीजन को बेवकूफ बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, बाकी आपको नेशनल मीडिया जो बताना चाहे वो बताए। तो दोस्तों, ये था आज की डिस्कशन के बारे में। तो हमने कोशिश करी कि जितना कम्प्रिहेंसिवली हो सके आपको बता सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इंश्योर करिए कि आप लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। और लास्टली दोस्तों, अगर आप इस ऐसे हम डेली 5 क्वेश्चंस देते हैं, और जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि सर मॉडल आंसर डाला करो, तो आप देख सकते हो कि एक आंसर को एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग गया। तो हम इसलिए 5 के 5 क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स तो नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और यहाँ पे भी दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आप अगर इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको सभी क्वेश्चंस के रेफरेंस सोर्सेज मिला करेंगे, और आप देख सकते हो कि हम कितनी कंप्रिहेंसिवली आपका सारे पूरा एक क्वेश्चन कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंश्योर करिए कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।